look at the functions of money. All right. तो फंक्शंस ऑफ मनी को हम लोग बेसिकली तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं, राइट? प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड द कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी. नाउ प्राइमरी फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन है जो मुख्य जो कार्य है मनी के, मुद्रा के, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट, और मेजर ऑफ वैल्यू. देन सेकेंडरी फंक्शन में तीन फंक्शंस हैं. सेकेंडरी फंक्शंस में स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. बारी बारी से. ऑल राइट, सो फंक्शंस ऑफ मनी में जो प्राइमरी फंक्शन है आपका मीडियम ऑफ एक्सचेंज. नाउ व्हाट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज? जो मुद्रा का जो मुख्य कार्य है वो है लेन देन का, राइट? जो क्लासिकल तो कंसीडर भी यही करते हैं कि जो मनी का एक ही कार्य है, दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? सो लेटर ऑन क्लासिकल दूसरे जो इकोनॉमिस्ट फ्रॉम द क्लासिकल बैकग्राउंड, अगेन दे हैव मॉडिफाइड देयर व्यू पॉइंट्स, है ना, और बताया कि नहीं, मनी के और भी कई सारे फंक्शन है जो मॉनिटरिस्ट इकोनॉमिस्ट ने बताया कि स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन भी होता है, है ना, यूनिट ऑफ अकाउंट भी होता है. सो जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में जो जो बार्टर सिस्टम में जो कमी हो रही थी कि जब कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मैंने बताया वॉन्स जब बहुत ज्यादा इकोनॉमीज वाइडन होती गई और पॉपुलेशन बढ़ता गया, वॉन्स मल्टीप्लाई होते गए, तो उसके साथ साथ बार्टर में कई सारी प्रॉब्लम अराइज होने लगी. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट और कई सारे हमने कल जो लैकिंग थी जो बार्टर सिस्टम है वो हमने पढ़े कल, जो भी शॉर्टकमिंग्स थी उसमें. सो उसकी वजह से मुद्रा का जो है प्रचलन शुरू हुआ, मुद्रा एग्जिस्टेंस में आया, इवोल्यूशन हुआ मुद्रा का. सो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अब लेन देन के लिए अब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट की जरूरत नहीं थी जब मुद्रा जो है इवॉल्व हुआ उसके बाद से लेके, राइट? सो वो प्रॉब्लम जो बार्टर की थी वो खत्म हो गई मुद्रा की वजह से. मुद्रा एक इम्पॉर्टेंट साधन बन गया, सोर्स बन गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज का, लेन देन का, राइट? ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी डिमांडेड, कैन बी एक्सचेंज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट? सो वो एक मुख्य कार्य होता है मुद्रा का. देन दूसरा होता है मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट जिसको बोलते हैं, या मेजर ऑफ वैल्यू मतलब कि मेजर ऑफ वैल्यू में जो मनी है वो गुड्स एंड सर्विसेज के को की वैल्यू बताता है इन टर्म्स ऑफ मनी, मुद्रा मुद्रा के रूप में हम लोग किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज की. अब जब पहले जब बार्टर सिस्टम प्रेविलेंट था तो मैंने कल बताया कि क्या डिफिकल्टीज होती थी कि मेरे पास एक हॉर्स है और बदले में दो शीप मिल रहे हैं, तो वो एक्सचेंज वैल्यू किस तरह से डिसाइड करना, या एक आदमी अनाज बेच रहा है, एक कपड़ा बेच रहा है, जुलाहा, तो उन दोनों का आपस में जो वैल्यू, जो इंटरचेंज का जो वैल्यू किस तरह से वो डिवाइस करें. सो ये सारी प्रॉब्लम जो बार्टर सिस्टम में अराइज हो रही थी. तो उसके बाद जब मनी एग्जिस्टेंस में आया तो वो जो मेजर ऑफ वैल्यू का काम उसने ये बहुत अच्छे से किया. अब जैसे कि सपोज एक रुपी वर्थ में हमारे को सपोज पांच टॉफी मिलते हैं और एक रुपए में ही हमें 10 ग्राम शुगर मिलता है, तो हम बोल सकते हैं कि एक रुपए की कीमत इतनी है, या शुगर की वैल्यू एक रुपए के बराबर, 10 ग्राम शुगर की वैल्यू एक रुपए के बराबर है. सो इस तरह से हम लोग वैल्यू मेजरमेंट कर सकते हैं वस्तुओं और सेवाओं का मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में, जो कि बहुत ही आसान हो गया आफ्टर द इवोल्यूशन ऑफ मनी, राइट? देन आपका जो सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं, आप सेकेंडरी फंक्शंस में ये है सप्लीमेंट्री फंक्शंस टू द प्राइमरी फंक्शन जो हमने डिस्कस किया. उसके बाद जो दूसरे फंक्शंस हैं मनी के, दैट इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डेफर्ड पेमेंट्स. मतलब कि आप आज के डेट में पे नहीं करना है, आज से 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, 2 साल बाद आपने पे करना है, वो पॉसिबिलिटी बहुत बहुत मतलब आसान हो गया कार्य. ये किस तरह के पेमेंट्स करना, लोन हम लोग लेते हैं, है ना, लोन देते भी हैं, तो वो मतलब बाद में हम लोग आराम से पे करते रहते हैं. या फिर आजकल तो अब ईएमआई सिस्टम आ गया जिसमें हम लोग वस्तुएं खरीद लेते हैं और उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पे करते रहते हैं. तो ये जो डेफर्ड पेमेंट का जो सिस्टम को इजी कर दिया मनी जब इवॉल्व हुआ, तो मनी जब एग्जिस्टेंस में आया तो, राइट? तो अब वो जो प्रॉब्लम क्वालिटी ऑफ जो
जो पहले जो कमोडिटी टर्म्स में जो मनी यूज किया जाता था इन द फॉर्म ऑफ सीशेल, इन द फॉर्म ऑफ एनिमल्स, कैटल्स, अनाज, ग्रेन्स, है ना, वो सारी उसमें क्या थी कि क्वालिटी डिटेरियरेट हो जाती थी फ्रॉम टाइम टू टाइम. दूसरा, मेंटेनेंस चार्जेस बहुत ज्यादा. सो ये सारी चीजों के कारण डिफर्ड पेमेंट करना मुश्किल होता था. बट मुद्रा के आने से ये आसान हो गया. डिफर्ड पेमेंट का करना जो है इजी हो गया. ठीक है, एक फ्यूचर डेट में हम लोग पेमेंट करते हैं, दैट इज नोन एज डिफर्ड पेमेंट, राइट. सो वो कार्य भी मुद्रा ने पॉसिबल कर दिया. देन स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन ऑफ मनी. अब हम लोग मुद्रा को बहुत इजीली स्टोर कर सकते हैं, राइट. सो ये एक असेट फंक्शन है मनी का. न्यूलिन ने इसको नाम दिया कि असेट फंक्शन ऑफ मनी है ये जो फंक्शन है स्टोर ऑफ वैल्यू का, क्योंकि ये इससे क्या होता है, सेविंग क्रिएट होती है. जब हमारे पास इनकम आता है तो हम आज के आज तो नहीं खर्च करते, राइट. महीने में जब फर्स्ट जो सैलरीड इंसान है उसकी 1 तारीख को जब तनख्वाह आती है वो पिछले महीने की, तो वो सारी की सारी उसी दिन थोड़ी खर्च करेगा. वो आराम आराम से जैसे जैसे उसकी जरूरत है उसके हिसाब से खर्च करेगा. और खर्च नहीं भी करेगा वो बचा के रखेगा कि मैं फ्यूचर डेट में, मेरे को हो सकता है मेरी फैमिली में कोई शादी है, या मेरे बच्चों को पढ़ाना है, या क्या बोलते हैं, कहीं फॉरेन ट्रिप लगाना है, राइट, या मैंने गाड़ी खरीदनी है, घर बनाना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स के लिए वो स्टोर ऑफ जो है करते रहता है, मुद्रा को सेव करते रहता है इन द सेंस. सो वो भी फंक्शन पॉसिबल कर दिया मुद्रा ने, बहुत इजी कर दिया. सो स्टोर कर सकते हैं जिससे कि कैपिटल फॉर्मेशन जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एक इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, एक ग्रोथ को एनहांस करने के लिए, देन सो वो कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल कर दिया मुद्रा ने अपने इस फंक्शन के द्वारा, स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन के द्वारा. देन फिर नेक्स्ट है आपका ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड, है ना. ट्रांसफर हम लोग कर सकते हैं बड़े इजीली. हम लोग वस्तुओं और सेवाओं को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे, नॉट वस्तुओं को, पैसे को, राइट, मनी को हम लोग या वैल्यू ट्रांसफर करना बहुत इजी हो गया. मतलब आज हम लोग जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं कल एग्जांपल दे रही थी, एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अब हम बेच नहीं सकते. कैसे करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, कैसे कैटल के फॉर्म में ले भी जाएंगे, ले लेंगे तो वो कैटल ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान वो भी अपने आप में एक बड़ी मुसीबत है. सो अब मुद्रा की वजह से वो बहुत इजी हो गया. आज यहाँ पे मैंने घर बेच दिया और दूसरी जगह जाके वहां पे घर नया खरीद लिया, तो वो पॉसिबिलिटी मुद्रा के प्रचलन में आने से बहुत इजी और पॉसिबल हो गया है, राइट. सो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू इस तरह से किया जा सकता है. एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करना वैल्यू को, वो बहुत पॉसिबल हो गया है. सो ये है वेरियस प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी, राइट. देन देयर आर सर्टेन कंटिंजेंट फंक्शंस ऑफ मनी, राइट. नाउ व्हाट आर दीज कंटिंजेंट फंक्शन, जो और एक्स्ट्रा जो मनी के कार्य हैं, ठीक है. सो एक पहला है कि बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, साख की सुविधा का जो एक मूल रूप है, ठीक है. मुद्रा अब लोग जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं थ्रू, नॉट ओनली थ्रू करेंसी और कैश, दे कैन डू इट थ्रू चेक्स, दे कैन डू इट थ्रू डिमांड ड्राफ्ट, है ना, या कोई और अदर बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा. अदर देर आर वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स, है ना, जो कि आजकल है अवेलेबल मार्केट में. सो जिसकी वजह से, जिसकी जिसकी सुविधा से हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, राइट. सो मनी जो है इन सब क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का बेस है, राइट. क्योंकि लोग अपनी इनकम में से कुछ भाग सेव करके रखते हैं, डिपॉजिट करके रखते हैं बैंक्स में, और उसी डिपॉजिट के द्वारा ही बैंक ये चेक विड्रॉ कर रही है, चेक ड्रॉ करती है, ड्राफ्ट ड्रॉ करती है. अदरवाइज बैंक बैंक के बैंक कैसे कैसे करेगी, है ना. बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करेगी, बैंक के पास जब पैसा आएगा लोग अपनी इनकम का पार्ट सेव करेंगे, रखेंगे अपने इनकम के कुछ भाग को सेव करके बैंक्स में, तो ही वो जो डिपॉजिट क्रिएट होगी बैंक में, और उसी डिपॉजिट के द्वारा ये चेक्स और ये डिमांड ड्राफ्ट, है ना, आगे जाएंगे. सो वो क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट का कार्य भी मनी इस तरह से पॉसिबल करती है. देन मनी फैसिलिटी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, राइट. मनी गिव्स यू द हाउ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन. अब आपको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स की जरूरत नहीं है कि हाँ कि अब मतलब कि मेरे को तो अनाज चाहिए, कल मैंने एग्जांपल दिया, मेरे को तो अनाज चाहिए बट मेरा कपड़ा उसको चाहिए कि नहीं चाहिए दूसरे आदमी को, राइट. तो वो फिर अगर वो बोलेगा नहीं मेरे को इतनी जरूरत नहीं है, चलो तुम्हें अनाज चाहिए तो तुम मुझे ज्यादा कपड़ा दो, दैट मीन्स मेरे को कम अनाज मिला तो सेटिस्फेक्शन मेरी ऑब्वियसली कम होगी.
बट जब मुद्रा के रूप में आप चाहे जो मर्जी खरीद लो, जब चाहे खरीद लो, राइट, जितनी मात्रा में चाहे खरीद लो. सो उससे आप अपनी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना और मैक्सिमाइज करना बहुत आसान हो गया मनी की वजह से, मुद्रा की वजह से, राइट. सो इसलिए ये है एक दूसरा फंक्शन कंटिजेंट फंक्शंस के अंदर. फिर आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम. अब राष्ट्रीय आय को स्टडी करते हैं तो वो राष्ट्रीय आय जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मापने का, राइट. अब नेशनल इनकम तो बहुत है, बट नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है? क्या वो नेशनल इनकम कुछ रिच लोगों के हाथ में ही है या फिर वो इक्वालिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है? वो अगेन हम लोग मुद्रा के रूप में ही देखते हैं उसको, है ना, कि कितना किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वालिटी है या नहीं है. वो भी अगेन हम लोग मुद्रा किसके हाथ में कितने मुद्रा है उस रूप में ही हम लोग उस तरह से ही हम लोग बताते हैं. तो एक नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन एक इकोनॉमी में किस तरह से हो, एक कंट्री में किस तरह से हो रहा है वो भी हमें मुद्रा के वजह से ही पता चलता है. देन बियरर ऑफ ऑप्शन, बियरर ऑफ मुद्रा, मनी इज द बियरर ऑफ ऑप्शन का मतलब है कि आपके पास कुछ भी ऑप्शन, जब आपके पास पैसे हैं, सपोज आपके पास 10,000 रुपए है, 20,000 रुपए है, आपने सोचा कि मैं 20,000 रुपए अभी सेव करके कल को एक मोबाइल लेना चाहता हूँ, ठीक है. ठीक है, वो 20,000 आपने बचा के रखे हैं, बट अगर इन केस वो 20,000 आपको लगता है कि नहीं, अभी मोबाइल की बजाय मेरे को अभी फायदा है कि मैं ये एक कोर्स कर लूं अभी, है ना, कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर लूं जो कि अभी अवेलेबल है 20,000 में ही, सोचेंगे आप अच्छा ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है, चलो मोबाइल में फिर ले लूंगा, पहले मैं ये कोर्स कर लेता हूँ, राइट. सो यू हैव दैट ऑप्शन, राइट, व्हेन यू हैव मनी इन योर हैंड्स, आपके पास ऑप्शन हो जाता है, चाहे तो आप उस 20,000 से टीवी खरीद लो, चाहे आप उस 20,000 से मोबाइल खरीद लो, चाहे उस 20,000 से आप अपने कोई और खर्चा पार्टी थ्रो कर दो, या फिर आप, मैंने बताया जैसे कि कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोई कोर्स कर लो जो कि अवेलेबल है सपोज 20,000 की फीस में, राइट. सो वो आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से आपके पास एक ऑप्शन हो जाता है, मनी जब अवेलेबल होगा आपके पास तो, राइट. देन गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, राइट. सो मनी एक्ट्स एज द गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी, एक इंस्टीट्यूशन के लिए भी और एक इंडिविजुअल के लिए भी. अब जैसे कि एक फर्म जो है इट विल बी डिक्लेयर बैंकरप्ट, ठीक है, जब उसकी मॉनिटरी लाइबिलिटीज को वो फुलफिल नहीं कर पाता है ना, तो वो एक बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाता है, ठीक है, चाहे उसकी टोटल एसेट जो है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू हिज टोटल लाइबिलिटीज, उसकी लाइबिलिटीज से उसके एसेट्स ज्यादा हैं, फिर भी उसके पास मनी की लाइबिलिटी, मॉनिटरी लाइबिलिटीज को वो फुलफिल ना कर पाए, तो हम उसको बोलते हैं कि वो बैंकरप्ट हो गया है बैंक, राइट. तो अपनी सॉल्वेंसी मेंटेन करने के लिए, राइट, हर एक इंडिविजुअल, हर एक बैंक या इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी और फर्म या कंपनी इंडस्ट्री क्या करेगी, मनी एज ए रेडी कैश अपने पास अपनी सॉल्वेंसी को प्रूव करने के लिए वो रखना प्रेफर करेगी, राइट. सो मॉनिटरी डिपॉजिट जो है इट एक्ट्स एज अ गारंटी अगेंस्ट इनसॉल्वेंसी, राइट. सो दैट इज दी कंटिजेंट, अनदर कंटिजेंट फंक्शन ऑफ मनी. देन देयर इज इंक्रीज इन द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल. मनी होने से क्या होता है, मनी फैसिलिटेट्स द लिक्विडिटी ऑफ कैपिटल, राइट. मनी की वजह से जो लिक्विडिटी है वो पॉसिबल. अब वन कैन रिफ्यूज टू एक्सेप्ट कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ हाउस और इन द फॉर्म ऑफ शॉप्स और इन द फॉर्म ऑफ लैंड, बट मनी के फॉर्म में वो एक्सेप्ट ना करे ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल. सो फिक्स असेट को हम लोग इजिली मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है. सो उससे हम लोग मतलब उस असेट से भी हम लोग वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, राइट, उस प्रॉपर्टी से, उस शॉप से या उस हाउस से, राइट. सो लिक्विडिटी की पॉसिबिलिटी मनी की वजह से, मनी फैसिलिटेट्स द लिक्विडिटी, मतलब वो इंक्रीज करती है जो कैपिटल की लिक्विडिटी को और ज्यादा, राइट. देन देयर आर सर्टेन स्टैटिक एंड डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी. स्टैटिक फंक्शन ऑफ मनी मतलब कि मनी जो है कन्वेंशनल अप्रोच के रूप में क्या बोलते हैं, मनी इज स्टैटिक, मतलब कि मनी का कोई रोल नहीं है, ठीक है, मनी सिर्फ सिर्फ जो प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन जो है एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, है ना, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू या स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स,
ही कर रही हैं, राइट। सो इकोनॉमी, इकोनॉमिक सिस्टम को ये रेगुलेट नहीं करती है, राइट। तो डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी का मतलब कि मनी जो है इट इम्प्रूव्स द इकोनॉमी और इट हेल्प्स, इट प्रोवाइड्स अ डायनेमिज्म इन द इकोनॉमी, राइट। मतलब कि मनी की सप्लाई और डिमांड में चेंजेस करके हम लोग इकोनॉमी में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं या इकोनॉमी में चेंजेस ला सकते हैं, या इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जब होता है उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं, राइट। सो दैट इज द डायनेमिक फंक्शन ऑफ मनी, राइट। सो दिस इज इट विद द फंक्शंस ऑफ मनी। इसके बाद आपका है कंटिंजेंट फंक्शंस, राइट। नाउ कंटिंजेंट फंक्शन में ये क्या है, ये दोबारा से मैंने क्यों लिखा है। All right. Coming to the classification of money, जो classification में हम लोग तीन basis पे हम लोग money को classify करते हैं, on the basis of नहीं, वैसे तो हमने types of money थोड़ा बहुत broadly किया, but classification हम लोग तीन basis पे हम लोग यहाँ पे इसके money को हम लोग classify categorize कर रहे हैं, on the basis of its nature, on the basis of liquidity, legality of money, and on the basis of मनी मटेरियल, किस चीज से वो बना हुआ है उसके रूप में, राइट। सो पहला जो है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर को हम लोग दो पार्ट्स में हम लोग यहाँ पे मनी को डिवाइड करते हैं, दैट इज एक्चुअल मनी एंड मनी ऑफ अकाउंट, राइट। सो एक्चुअल मनी क्या है, एक्चुअल मनी इज दैट मनी विच एक्चुअली सर्कुलेट्स इन द इकोनॉमी, जो एक्चुअल में मनी जो है सर्कुलेट हो रहा है एक इकोनॉमी में, जैसे कि भारत में इंडियन करेंसी जो है कॉइन्स और जो करेंसी नोट्स हैं वो प्रचलन में है रुपीज के रूप में, सो वो है हमारी एक्चुअल मनी, राइट। इट इज यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्री, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेपर नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन, मतलब कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग करेंसी होती है, राइट। और सॉरी डिनोमिनेशन से मतलब कि 100 रुपए का नोट, 500 का नोट, 1000 का नोट, 2000 का नोट, 10 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट, लाइक दैट। सो पेपर नोट्स ऑफ डिफरेंट डिनोमिनेशन एंड कॉइन्स इन एक्चुअल सर्कुलेशन, दैट कंस्टिट्यूट द एक्चुअल मनी। मनी ऑफ अकाउंट क्या है, इज दैट फॉर्म ऑफ मनी जिसमें हम लोग अपनी अकाउंट्स ऑफ अ कंट्री मेंटेन करते हैं, ठीक है। अकाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन जो है वो मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं मनी ऑफ अकाउंट, राइट। जैसे कि रुपी इज द मनी ऑफ अकाउंट इन इंडिया, इंडिया में जो जो अकाउंटिंग का जिसमें किया जाएगा ट्रांजेक्शंस का, सारी ट्रांजेक्शंस का, राइट, वो उसको हम लोग रुपी के टर्म में करते हैं, तो रुपी इज द मनी ऑफ अकाउंट इन इंडिया। बट जनरली एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट हम जैसे पढ़ रहे हैं ऊपर, ये भी हम इस साइड भी हम लोग एक्चुअल मनी में भी हम लोग इंडियन रुपी की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम रुपी की ही बात कर रहे हैं, राइट। सो एक्चुअल मनी और मनी ऑफ अकाउंट आर द सेम फॉर अ कंट्री, हाउएवर कभी कभी एक्चुअल मनी मे बी डिफरेंट फ्रॉम द मनी ऑफ अकाउंट। इन व्हाट सेंस, जैसे कि रुपी और पैसे के रूप में हम लोग मनी ऑफ अकाउंट करते हैं, अपनी अकाउंट मेंटेन करते हैं, राइट, इन द फॉर्म ऑफ रुपी एंड पैसे। बट इन रियल प्रैक्टिस जो 1 पैसा कॉइन है अब हम लोग, या 5 पैसे का कॉइन है, या 10 पैसे का, या 25 पैसे का, अब कहीं विजिबल नहीं है, उसकी इतनी वैल्यू नहीं रही है क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा आ गया है काफी सालों में, तो उन चीज अब वो पैसे अब कहीं एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, वो चलते ही नहीं है, राइट, प्रचलन में नहीं है, जबकि हम रुपये और पैसे के में अकाउंट अपने मेंटेन करते हैं, बट एक्चुअल सेंस में वो पैसा वो छोटे डिनोमिनेशन के जो कॉइन्स है वो कहीं पे भी नहीं हम लोग यूज करते हैं, कहीं भी विजिबल नहीं है वो इकोनॉमी में, राइट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल मनी एंड मनी ऑफ अकाउंट, आई होप आपको समझ आया होगा। देन देयर इज लीगल टेंडर मनी एंड ऑप्शनल मनी। नाउ व्हाट इज लीगल टेंडर मनी, इट इज द करेंसी विच हैज गॉट, मतलब लीगल सेंक्शन, मतलब एक अप्रूवल मिला है सरकार से कि आप इसको, मतलब लिखा होता है ना प्रॉमिस किया होता है कि आई प्रॉमिस टू पे, है ना, दिस अमाउंट, है ना। सो उसके नीचे साइन होते हैं गवर्नर के या फिर फाइनेंस मिनिस्टर या सेक्रेटरी के फोन जो है साइन किए हुए होते हैं, सो वो एक लीगल टेंडर मनी इसलिए है क्योंकि वो लीगली बाउंड है, हम लोग उसको हम लोग मना नहीं कर सकते। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेंगे तो दुकानदार नहीं बोलेगा कि हाँ मुझे ये 10 रुपए नहीं चाहिए, आप दूसरा लेके आओ, वो नहीं बोल सकता, राइट। नोबडी कैन रिफ्यूज टू, है ना, सेटल फॉर द सेटलमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी काइंड, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हो, चाहे डेब्ट की पेमेंट हो, वो मना नहीं करेगा, बैंक भी मना नहीं करेगा, या कोई इंडिविजुअल या कोई शॉपकीपर या होलसेलर जो भी है वो भी मना नहीं करेगा, दे आर बाउंड टू एक्सेप्ट इट, इट इज लीगली बाउंड,
इसीलिए लीगल टेंडर मनी बोलते हैं हम इसको, तो इसमें कॉइन्स करेंसी सब आते हैं लीगल टेंडर में, जिसमें कि गवर्नमेंट की बैकिंग होती है, ठीक है, गवर्नमेंट ने अथॉरिटी दी है, गवर्नमेंट अथॉरिटी है उसमें, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे ये नोट्स और पैसे कॉइन्स जो है वो चलते हैं, हाँ, बट अ पर्सन कैन लीगली रिफ्यूज टू एक्सेप्ट पेमेंट थ्रू चेक्स, वो अब लीगल टेंडर नहीं है, चेक और या फिर डिमांड ड्राफ्ट, वो बोल सकते हैं मुझे चेक नहीं चाहिए भाई, मुझे कैश में पैसे पे करो, वो पैसों के लिए कोई आपको मतलब एक्सेप्टेंस डिनाइल नहीं हो सकता, क्योंकि वो लीगली बाउंड है, उसको लेना पड़ेगा, बट चेक और जो डिमांड ड्राफ्ट है वो लीगल टेंडर नहीं आता है, मैं नहीं आता है, या बिल ऑफ एक्सचेंज है वो लीगल टेंडर में नहीं आता है, देन करेंसी इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लीगल टेंडर, है ना, और ये चेक्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये जो भी नॉन कैश पेमेंट्स हैं, दे आर नॉट यूजुअली लीगल टेंडर्स, मैंने पहले ही बताया, ये अच्छा, ये जो लीगल टेंडर मनी एंड ऑप्शनल मनी है, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ लीगैलिटी ऑफ मनी, ये लीगैलिटी ऑफ मनी, सो ये तो हो गया लीगल टेंडर। अब ऑप्शनल मनी, ये जो मैंने आपको चेक, डिमांड ड्राफ्ट बताया, इट रेफर्स टू द नॉन लीगल टेंडर मनी व्हिच डू नॉट एंजॉय एनी स्टैट्यूटरी बैकिंग, अब ये यहाँ पे गवर्नमेंट की कोई बैकिंग नहीं होगी, बट इट इज जनरली एक्सेप्टेड बाय द पीपल इन फाइनल पेमेंट, जब बड़े बड़े पेमेंट्स, कैश पेमेंट्स करने, बड़े बड़े बहुत सारे बड़े बड़े अमाउंट के पेमेंट करने होते हैं, तो हम मतलब यूजुअली ये चेक्स, डिमांड ड्राफ्ट एक्सेट्रा का यूज करते हैं, ठीक है, इट दैट मीन्स यहाँ पे कोई फोर्स नहीं कर सकता आपको लीगली, नोबडी कैन फोर्स यू और कंपेल यू टू एक्सेप्ट दैट, है ना, दैट इज द ऑप्शनल मनी, लीगली बाउंड नहीं है, नॉन लीगल टेंडर मनी है ये, और इसमें क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं, चेक्स, ड्राफ्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेट्रा एक्सेट्रा थिंग्स, ऑल राइट, तीसरा बेसिस ऑफ जो कैटेगराइजेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द मैटर ऑफ ऑफ विच द मनी इज मेड, तो यहाँ पे दो, फिर से हम लोगों ने कैटेगराइज किया, दो तरह से क्लासिफाई किया इसको, मेटेलिक एंड पेपर मनी। सो मेटेलिक मनी जो मेटल्स से बना होगा, जैसे कि गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन्स या फिर ब्रॉन्ज के, है ना, तो वो मेटल से बने होते हैं। ऑन द अदर हैंड जो पेपर मनी मनी होगा वो पीस ऑफ पेपर से बना होता है, सो अब मेटेलिक मनी जो है इसको हम लोग फिर से दो पार्ट्स में कैटेगराइज कर रहे हैं, स्टैंडर्ड मनी जिसको कि फुल बॉडीड कॉइन्स भी बोलते हैं, और दूसरा टोकन मनी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, स्टैंडर्ड मनी या फुल बॉडीड कॉइन्स में दोनों में जो फेस वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू वो सेम होती है, स्टैंडर्ड मनी फुल बॉडीड कॉइन्स नाम से ही पता चल रहा है, दैट मीन्स कि जो उसकी इनर वैल्यू है वही उसके फेस पे भी छपा हुआ है, वही उसके बॉडी पे भी इंस्क्राइब्ड है, दैट इज दी फुल बॉडीड कॉइन्स और स्टैंडर्ड मनी या स्टैंडर्ड कॉइन्स भी इसको बोलते हैं। मतलब कि अगर वो पैसे के रूप में नहीं भी काम आ रहा है, मनी के रूप में हम उसको नहीं भी यूज कर रहे हैं, तो भी उसकी उतनी ही इंट्रेंसिक वैल्यू है, उसकी उतनी उतना उसका वेट के अकॉर्डिंग उसको लिखा गया है, उसकी जो फेस वैल्यू को, तो कॉइन्स इसमें जो गोल्ड कॉइन, सिल्वर कॉइन ये इसमें आ जाते हैं, बट पेपर मनी जो या जो बैंक नोट्स जिसको बोलते हैं या गवर्नमेंट नोट्स हैं, ये आपके टोकन मनी में आ जाते हैं, या फिर नहीं, कुछ ऐसे टोकन कॉइन्स भी होते हैं जिसकी की इंट्रिंसिक वैल्यू फेस वैल्यू से कम होती है, फेस वैल्यू ज्यादा होगी बट उसकी एक्चुअल में जो वैल्यू है इंट्रिंसिक, उसकी जो इनर वैल्यू वो कम होती है उससे, तो दैट इज टोकन कॉइन्स, टोकन मनी, देन पेपर मनी, पेपर मनी को भी फिर से चार पार्ट्स में यहाँ पे हमने क्लासिफाई किया। पहला है रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी, मतलब कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है ना किसी चीज को, इसका मतलब क्या है कि ये 100% बैक्ड होता है, फुली रिडीमेबल, मतलब कि कभी भी हम लोग इसको प्रेशियस मेटल के रूप में बदल सकते हैं, कभी भी जाके बैंक्स में जाके या सेंट्रल, है ना, तो ये मतलब कि जितना भी पैसा इस यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी सिस्टम में क्या होगा कि जितना भी पैसा छापा जाएगा उसकी वो उसके उतने ही अमाउंट का गवर्नमेंट जो है अपने पास बैकिंग रखेगी, प्रेशियस आपके मेटल्स के रूप में, गोल्ड के रूप में, सिल्वर के रूप में, उतने ही अमाउंट का जितना वो पैसे छापेंगे, सो इट इज फुली बैक्ड, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पेपर मनी। देन कन्वर्टेबल पेपर मनी, अब है कि जो आपके पास जो पेपर करेंसी, ये ऐसा सिस्टम है जहां पे जो पेपर मनी जो छापा गया है उसको गवर्नमेंट प्रॉमिस कर रही है कि वो आप कोई भी प्रेशियस मेटल या स्टैंडर्ड कॉइन्स या फुल बॉडीड कॉइन्स में आप कभी भी एक्सचेंज कर सकते हैं, बैंक में आके या कहीं भी
आप जहां पे भी होता है ये, वो वहां जाके एक्सचेंज कर सकते हैं, प्रेशियस मेटल्स में आप उसको बदल सकते हैं, दैट इज कन्वर्टेबल पेपर मनी। देन इनकन्वर्टेबल पेपर मनी मतलब कि जहां पे फुल बॉडीड कॉइन्स में आप करेंसी को ले जाके के आपको गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट बाउंड नहीं है, गवर्नमेंट मना भी कर सकती है, ठीक है, तो वहां पे आप जाके बोलो कि मेरे को इस पैसे के बदले में मुझे ये प्रेशियस मेटल लेना है, तो वो आपका नहीं देगी क्योंकि वो इनकन्वर्टेबल पेपर मनी सिस्टम है, मतलब गवर्नमेंट कोई प्रॉमिस नहीं कर रही है आपको कि वो स्टैंडर्ड कॉइन्स में वो आपको एक्सचेंज करके देगी उन करेंसी के बदले में, राइट। सो दैट इज इनकन्वर्टेबल पेपर मनी सिस्टम। देन फिएट मनी जो कि जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे चल रही है, राइट, विच इज इश्यूड बाय द गवर्नमेंट, राइट। सो जो हमारे जो करेंसी, वैसे तो ये इमरजेंसी कंडीशंस में छापी गई नोट माना जाता है, बट हमारे जो कंट्री का करेंसी है और कई सारी कंट्रीज का करेंसी जो है वो एक फिएट मनी ही है। फिएट मनी जो कि अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट की है, तो पीस ऑफ पेपर ही है, चाहे वो 2000 का ही है, एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर है जिसकी इंट्रिंसिक वैल्यू कुछ नहीं है, तो वो गवर्नमेंट की अथॉरिटी पे वो 2000 का काम कर रही है ना, या 10 रुपए का काम कर रही है, या 50 का काम कर रही है, तो एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर उसकी उसकी वैल्यू कुछ नहीं है। सो दैट इज फिएट मनी जो कि इश्यूड बाय द गवर्नमेंट है ना, एंड देयर इज नो रिजर्व, नो बैकिंग ऑफ रिजर्व, ठीक है, फॉर दिस काइंड ऑफ मनी। बट ऐसा भी नहीं है, अब इंडियन करेंसी को मैंने बता तो दिया कि फिएट मनी है, बट इट इज बैक्ड, नॉट फुली बैक्ड, बट मिनिमम रिजर्व सिस्टम है हमारा जो अभी ये सारे अभी हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक्स में। तो हम लोग जो अभी जो हमने अडॉप्ट किया हुआ है करेंसी सिस्टम, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम, जहां पे कि हम लोग 115 करोड़ रुपए का जो है बैकिंग रखते हैं, रेस्ट ऑफ इट उसके बाद हम लोग कितना मर्जी पैसे छाप लो, वो 115 करोड़ रुपए आपको मेंटेन करने हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रेशियस मेटल्स एंड इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फॉरेन एक्सचेंज के रूप में। वो मेंटेन करने के बाद आप उतनी सी बैकिंग रख के आप कितना मर्जी पैसे छाप लो। अभी ये सिस्टम है जो अभी हम लोग करेंटली अडॉप्ट किए हुए हैं, दैट इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अभी नहीं, मतलब बहुत पहले से चला हुआ है, अभी भी चला हुआ है, करंटली भी यही सिस्टम चला है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, राइट।